में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 90% रेप केस रिश्तेदारों में होते हैं। नेहा धूपिया और अंगद बेदी के घर गूंजी किलकारी। तेज प्रताप के तलाक में नया मोड़। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में दुष्कर्म की घटनाओं पर दिए अपने बयान पर विवाद के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को दी सफाई। उन्होंने कहा, मैंने सहमति से नहीं बल्कि जानकारों के बीच घटनाओं की बात कही थी। यह तथ्य जांच में सामने आया है। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि खट्टर रेप को जायज ठहरा रहे हैं, इसलिए हरियाणा में रेप बढ़ रहे हैं। नेहा धूपिया और अंगद बेदी के घर खुशियों ने दस्तक दी। जी हाँ, नेहा धूपिया और अंगद बेदी अब माता पिता बन गए। उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। हाल ही में अंगद बेदी और प्रेग्नेंट नेहा धूपिया बांद्रा के क्लिनिक के बाहर स्पॉट किए गए, जिसके बाद आज यह खास खबर सामने आई। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने तलाक का अपना फैसला नहीं बदला, हालांकि वे कुछ नरम जरूर पड़े। अब इस मामले में नया मोड़ भी आया है। जब तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या की माँ पूर्णिमा दास शनिवार की शाम राबड़ी देवी से मिलने उनके सरकारी आवास गई थी, करीब 1.5 घंटे बाद वे वहां से रोते हुए निकली। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।